अस्सलाम वालेकुम वीवर, आज की वीडियो है जी सादा प्लस फैंसी गेट के बारे में। तो चलिए जी मैं आपको बताता हूँ कि सादा प्लस फैंसी गेट होता क्या है। तो ये जो आप गेट देख रहे हैं ये सादा प्लस फैंसी गेट है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्टील का काम नहीं है, बहुत ज़्यादा रॉड आयरन का काम नहीं है, तो ये बहुत तो ये फैंसी नहीं कहलाएगा। तो सादा इस वजह से नहीं कहलाएगा कि ये बिल्कुल प्लेन शीट नहीं है। जो सादा वो होता है जो बिल्कुल प्लेन शीट लगी हो, उसमें कुछ भी काम ना किया हो, तो वो सादा कहलाता है। इसमें स्टील का काम है, स्टील के पाइप लगे हैं, कुछ थोड़े से पाइप लगे हैं, थोड़ी सी डिज़ाइनिंग की है क्योंकि देखने में अच्छा लगे, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है ये गेट और बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। तो ये हमने ये बनाया है जिससे ये इसको कहते हैं सादा प्लस फैंसी। तो अब इसके मटेरियल के बारे में बात कर लेते हैं कि मटेरियल कौन सा यूज़ हुआ है इसमें। तो सबसे पहले तो इसकी शीट के बारे में आपको बताता हूँ। जो इसमें शीट लगी है ये गैल्वनाइज शीट है 16 गेज की, जिसको आप आम लफ्ज़ों में जिस्ती चादर बोलते हैं, तो वो लगी है इसमें। इसको रंग नहीं लगता, बिल्कुल ख़राब नहीं होती है, इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। अगर दूसरी काली चादर लगाएं, पॉलिश वाली चादर लगाएं, तो उसको रंग लग जाता है जल्दी, वो जल्दी ख़राब हो जाती है, तो ये ख़राब नहीं होती। तो इसके फ्रेम के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेम इसका बनाया जी 14 गेज पाइप का, 14 गेज पाइप बहुत ही मजबूत पाइप होता है। वैसे तो आमतौर पर 16 गेज पाइप में ये बनते हैं फ्रेम इसके, लेकिन ये इसको मजबूती के लिए इसको वजनी पाइप लगाया है, तो 14 गेज पाइप बहुत ही मजबूत होता है। और दूसरी बात ये कि ये हमारे बहुत ही प्यारे व्यूवर हैं जी, ये उनका गेट है। ये बेसिकली रहते तो सऊदी अरब में है, लेकिन इनका आबाई घर है सिंध के इलाके सांगड़ में। तो वहाँ से इन्होंने वीडियो देखी थी मेरी यूट्यूब पर, वीडियो देख कर उन्होंने हमसे रब्ता किया और गेट वगैरह की पिक वगैरह हमने भी भेजी इनको, तो ये इनको गेट पसंद आया। तो रेट वेट पैक करके इसको, तो ये जी आप बना के इंशाल्लाह बना के खड़ा कर दिया इसको, बस इसको आप कार्गो कराएंगे इंशाल्लाह। तो हमें जी बहुत खुशी होती है जब कोई हमारे व्यूवर हमसे ये काम करवाते हैं। तो लड़के भी बहुत मेहनत से, कारीगर बहुत मेहनत से काम करते हैं उनका, तो उनको पता होता है कि ये दुकान पे तो आए नहीं है, इन्होंने मटेरियल वगैरह देखा नहीं है, अतमाद पर ही सारा काम चल रहा है। तो अगर कुछ ख़राबी हुई, कोई मसला मसाइल हुआ, शॉप की रेपुटेशन ख़राब हो, तो इस वजह से जी हर कोशिश करते हैं कि कोई कमी ना रहे। तो चलिए जी वीडियो को एंड करते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में किसी और गेट के बारे में, फैंसी गेट के बारे में आपको मालूम दूंगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें ज़रूर, शेयर करें। और ये चैट की है भाई से मैंने, जिनका गेट है ये, तो बराए मेहरबानी लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह मैं आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो, इंफॉर्मेशन वीडियो देता रहूँगा और भी चीज़ों की, इंशाल्लाह विंडोज़ की, चौखट की, सब की इंफॉर्मेशन एक एक करके आपको देता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।